वसीम रिजवी की औकात नहीं है कि कुरान के 26 आयतों को हटवा ले, इसकी औकात नहीं है जो कुरान लिखा है उसको मदरसे में पढ़वा ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, वसीम रिजवी का नाम आप सभी ने सुना होगा। यह बंदा कुरान से 26 आयतें निकालता है और कहता है ये आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है। उसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है कि कुरान से इन आयतों को हटाना चाहिए। इसके बाद तो इसने नीचता की भी हद पार कर दी। इसने क्या किया कि अब एक नया कुरान लिखा है जिसमें से इन 26 आयतों को हटाया है और कह रहा है कि कुरान के सूरा भी क्रमबद्ध तरीके से नहीं थे, इनको क्रम में किया है। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि सारे मदरसे में इसको अवेलेबल किया जाए, इसी कुरान को पढ़ाया जाए। अब यह बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, जरा समझिए। पूरे विश्व के मुसलमान मानते हैं कि कुरान जैसा आया अल्लाह का मैसेज जिब्रील आके मोहम्मद साहब को देता और वैसे वैसे ही मैसेज उतरता गया, तो जो कुरान जैसा 1400 वर्ष पहले आया था आज भी वैसा ही है, ये पूरे विश्व के मुसलमान मानते हैं, पवित्र कुरान मानते हैं। अब इस कुरान में फेरबदल करना, इससे मुसलमानों की भावना आहत होगी। और इसी में कोई मुसलमान अगर इस वसीम रिजवी की हत्या कर देता है तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और तमाम कई लोग निकलेंगे, कई नेता भाषण देने लगेंगे कि देखो भाइयों, ये मुसलमान मुसलमान के नहीं हुए सके तो तुम्हारे क्या होंगे। और इस तरह से जो हिंदुओं का वोट है पोलराइज करने का कोशिश किया जाएगा। दोस्तों, मैं यह बता दूं कि यह वसीम रिजवी है कौन। यह सिया वक्फ बोर्ड का कभी चेयरमैन हुआ करता था। यह बंदा बीजेपी में कोई सदस्य नहीं है, बीजेपी ऐसे बंदों को खोजती है। और यह बंदा अमित शाह और मोदी के लिए कार्य करता है, उनके हाथ की कठपुतली है। देखिए, बीजेपी में शहनवाज हुसैन और नकवी को छोड़ दिया जाए तो एक ही दो मुसलमान गिने चुने नेता है। अब बीजेपी के हाथ में एक ऐसा कठपुतली हाथ लगा है, इस कठपुतली को इस्तेमाल करके बीजेपी हर एक जगह से चुनाव जीतना चाहती है। क्या हुआ वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ दोस्तों? पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले यह बंदा जब कहा कि 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है, सोचा मुसलमान उग्र होगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, इसकी हत्या करने की कोशिश करेगा, गोदी मीडिया इन सारी बातों को दिखा के मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाएगा। लेकिन मुसलमान सब्र का बांध तोड़ने नहीं दिया, सब्र का बांध टूटा। कब टूटा? चुनाव के दिन टूटा। और क्या हुआ जब टूटा? तो 2 मई को सामने है जो आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर बन के घूम रहा था जगह जगह, वह आसाराम बापू बन के उसको बंगाल ने छुट्टी कर दिया। अब अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यही कारण है कि वसीम रिजवी फिर इस तरह की घटिया और नीच हरकत कर रहा है। जैसे ही इस पे कोई आक्रमण होगा दोस्तों, तुरंत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और भाजपा के ऐसे कई नेता जो है मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाने लगेंगे। आपको बता दें कि आए दिन उत्तर प्रदेश में मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मस्जिद शहीद होगा, मुसलमानों का भावना भड़केगा, मुसलमान तलवार लेके भाला लेके ये सब लेके आएगा और पुलिस को मारेगा, हिंदू मुस्लिम दंगा होगा और उस दंगे का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा के 2022 के चुनाव में आ जाएगी। वसीम रिजवी की औकात नहीं है कि कुरान के 26 आयतों को हटवा ले, इसकी औकात नहीं है जो कुरान लिखा है उसको मदरसे में पढ़वा ले। आर्कियोलॉजी और इतिहास दो ऐसा सब्जेक्ट है कि पुराने चीजों को ही कोर्ट जो है, भारत का संविधान जो है, ओरिजिनल मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनर और लेटर यही आएगा कि वसीम रिजवी जो है एक तरह मेंटल बकवास करता है, जो है भावना भड़काने का कार्य कर रहा है, ऐसे कुरान को किसी भी मदरसे में पढ़ाया नहीं जाएगा और कुरान से कोई 26 आयतें हटाई नहीं जाएगी। लेकिन इस तरह का कार्य करने का उद्देश्य एक ही है दोस्तों, उद्देश्य है मुसलमानों के भावनाओं को भड़काना, मुसलमानों को उग्र करना, उग्र करके और पूरे देश में दिखाना कि मुसलमान जो है उग्र होते हैं, मुसलमान आक्रमण करते हैं। याद रखिए, यति नरसिंहानंद मोहम्मद साहब के ऊपर कमेंट कब दिया? बंगाल चुनाव के पहले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी गवर्नमेंट के लिए इतना अहम है, योगी के लिए इतना अहम है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव ये लोग हार गए तो 2024 में मोदी जी का ये जो है ना दाढ़ी बनवा के गुजरात भेज दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का ये लोग चुनाव जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम बंटवारा का ही कार्य करेंगे, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे टट्टू यति नरसिंहानंद जैसे टट्टुओं को इस्तेमाल करेंगे, वसीम रिजवी जैसे कठपुतली को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके किसी भी तरह मस्जिद तोड़वाएंगे, किसी भी तरह मुसलमानों के भावनाओं को आहत करेंगे ताकि मुसलमान अपना उग्र रूप दिखाए और जिसका फायदा इनको अगले वर्ष चुनाव में मिले। भारत का मुसलमान इतना गधा नहीं है, इतना मूर्ख नहीं है, भारत का मुसलमान बहुत ही अब चालाक हो चुका है।
भारत का मुसलमान जरूर प्रतिक्रिया देगा। किस दिन देगा? जिस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, जिस दिन 2024 में चुनाव होगा, भारत का मुसलमान उस दिन प्रतिक्रिया देकर बता देगा। जो अमित शाह बंगाल में कहते थे 200 पार, 200 पार तो टीएमसी हो गया, आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन लोगों की यही नीच और बचकाना हरकतें हैं दोस्तों, कि हिंदू मुस्लिम करो। आज विकास के नाम पे आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा क्या बोलेगी? क्या ये बोल सकती है कि हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, हमने वैक्सीन दिलवा दिया, एक वर्ष कोरोना का था, कोई व्यवस्था नहीं हुआ, अंत में लोग कुत्ते की मौत मरे और मरने के बाद भी उनके शव को कुत्ता खाया, ये जग जाहिर है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन तो इन लोगों ने करवाया। जो हिंदुओं का दाह संस्कार जला के होता था उनको दफनाया गया, दफनाने के बाद जो रामनामी इनके ऊपर डाला गया था सरकार ने उसे हटा दिया कि उसकी बदनामी ना हो। सुन रहे हैं, सरकार फेसबुक ट्विटर को बैन करवा रहा है क्योंकि सरकार की बदनामी हो रही है। टूल किट से सरकार की बदनामी कर रहा है कांग्रेस कि इतने लोग मरे गए। टूल किट से तो बदनाम करते करते भाजपा के 3 मंत्री मर गए कोरोना से और वे लोग भी मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया। इस तरह का नीच हरकत, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो भारत में देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इन दोनों को नफरत फैला के, दोनों को बांट के और चुनावी फायदा लेना चाहते हैं तो ये भारत के मुसलमान होने नहीं देंगे। भारत के मुसलमान बहुत ही चालाक हो गए हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बात को साबित करके दिखाया है। तो दोस्तों, आप लोग प्रतिक्रिया तभी करें जहाँ प्रतिक्रिया करने से लाभ मिले, ऐसे जगह प्रतिक्रिया नहीं करें। आप समझिए, आप प्रतिक्रिया देंगे फंसेगा कौन? हिंदू। आज हिंदू बेरोजगार है, आज भ्रष्टाचार का शिकार भी हिंदू है। पुलिस जो है लॉकडाउन में जरूरी नहीं है मुस्लिम, हिंदुओं को भी मारती है। हिंदू चारों तरफ से परेशान है, लेकिन इन हिंदुओं को अब उनकी वोटों को कैसे फंसाया जाए? एक ही बस, हिंदू और मुस्लिम करो, दंगे हों, 100-200 लोग मारे जाएं और इन हिंदुओं को अपने तरफ कर लो। आज ब्राह्मण विकास दुबे की हत्या हुई, ब्राह्मणों की आए दिन इनकाउंटर होता है, इस तरह से ब्राह्मणों की कत्लेआम हो रही है कि उत्तर प्रदेश का आज ब्राह्मण योगी गवर्नमेंट के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल चुका है। और यह बात योगी सरकार को पता है, इन ब्राह्मणों को एक करना है तो क्या करना होगा? हिंदू और मुसलमान का भावना भड़काइए और ये सारे ब्राह्मण हिंदू बनके भले ही बीजेपी को गाली देंगे लेकिन बीजेपी को वोट कर देंगे। दलितों के साथ क्या हुआ? अब दलितों को भी हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वो बोल रहा है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कि दलित और बनिया इन सब में बट के तुम लोग मुसलमानों से हार रहे हो, मुसलमान तुम पे हावी हो रहे हैं, उनकी जनसंख्या 40 करोड़ हो जाएगी, तुम लोग एक हो। क्या एक हो? जब कुत्ते की तरह व्यवहार करोगे तुम ब्राह्मणों के साथ, दलितों के साथ, तो कैसे ब्राह्मण और दलित एक होगा? इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी कोई से कोई हथकंडा अपना ले, लेकिन नतीजा आप सभी लोगों के सामने आएगा। ये जो योगी बाबा प्रयागराज इलाहाबाद का प्रयागराज बनाने में 40,000 करोड़ का खर्च, 40 इतने का खर्च कर दिए, लेकिन क्या कभी ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे और उनको गंगा में दफनाया गया, गंगा के बालुओं में? ऐसा प्रयागराज हम लोग कल्पना किए थे? इससे अच्छा तो इलाहाबाद था, जहाँ पे हंसी थी, खुशी थी, जहाँ पे कुंभ और हर एक चीज होता था। ये प्रयागराज बना के आपने क्या किया? वही 40,000 करोड़ रुपए को आप जो है नाम बदलने में खर्च करने के बजाय आप खर्च कर दिए होते ऑक्सीजन में, आप खर्च कर दिए होते उसको दवाओं में, वैक्सीनेशन में, तो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों के मांस को कुत्ता नहीं खाता। अब योगी बाबा के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, इनको इस बार जनता छुट्टी करेगी तो ये बंदा आए दिन मस्जिद गिरवाएगा, आए दिन कुरान के ऊपर जो है वसीम रिजवी और टट्टुओं का इस्तेमाल करके बीजेपी ऐसा करेगा, आरएसएस ग्रासरूट पे हिंदू मुस्लिम भावना को भड़काने का कार्य करेगा। हर एक तरह से ये लोग चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम भावना भड़के, एक दो दंगे हो, 100-200 लोग मरे। मैं मुसलमान भाइयों से अंत में यही आग्रह करना चाहूँगा कि देश में आप लोगों के भावनाओं को लाग भड़काया जाए। यति नरसिंहानंद अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान देगा, आप उसकी कत्लेआम बिल्कुल न करें, वसीम रिजवी की कत्लेआम बिल्कुल न करें, क्योंकि इनका कत्ल करने से आप कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएंगे और सत्ता में बीजेपी आएगी तो CAA NRC जैसे नियम लाएगी और उससे नुकसान किसको होगा? उससे नुकसान आप ही लोगों को होगा। इसलिए आप लोग पूर्ण रूप से अपने सब्र का बांध टूटने न दें, आप लोग सब्र करें,
और जैसे ही चुनाव आए आप भारतीय जनता पार्टी को दिखा दे कि असीम रिजवी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद जैसे लोग, ये 2 करोड़ के लोगों की कोई अहमियत नहीं कि ये लोग जो है मुसलमानों को दबा सके। वसीम रिजवी जो कहता है कुरान से 26 आयते, सोचिए जो अल्लाह का मैसेज है जिब्रील के द्वारा, मोहम्मद साहब के द्वारा लाइन बाय लाइन उतरा है, उसको वो चेंज कर रहा है। कहीं ना कहीं ये क्या कह रहा है, अंतिम पैगंबर के द्वारा वह कुरान आया है, अब यह बताना चाह रहा है कि मैं पैगंबर हूं। इस तरह का बात अगर करेगा तो डेफिनेटली मुसलमान की भावना भड़केगी और इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, और गलत होगा तो फिर उसका परिणाम जो है हिंदू वोटों को फंसा लिया जाएगा और फिर जीत के हिंदुओं को भी बेरोजगार रखा जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने की कोशिश करिए, इन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य एक ही है कि सत्ता में आना, और सत्ता में आने के लिए सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ानी पड़े तो बलि चढ़ाएंगे, उसके लिए मस्जिद तोड़वा के बलि चढ़ानी पड़े, उसके लिए वसीम रिजवी का इस्तेमाल करके बलि चढ़ाना पड़े, उसके लिए मोहम्मद साहब के ऊपर यति नरसिंहानंद द्वारा गलत कमेंट करवा के बलि चढ़वाना पड़े। अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले एक घटना और हो सकता है, जैसे कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी वैसे यति नरसिंहानंद की हत्या हो सकती है, वसीम रिजवी तक की हत्या हो सकती है। क्यों वसीम रिजवी की हत्या हो सकती है और कौन करवाएगा? ये बीजेपी पार्टी को इन लोगों की हत्या करवाने में बहुत लाभ है। क्यों लाभ है? अब देखिए, मुसलमान तो अपने सब्र के बांध को टूटने नहीं दे रहा है, लेकिन अगर वसीम रिजवी का कत्ल समझिए एक आरएसएस का बंदा ही कर दे, या यति नरसिंहानंद का कत्ल एक आरएसएस का बंदा कर दे, तो उसका नतीजा क्या होगा? होगा कि कोई मुसलमान ने किया हत्या, और हत्या का जब रिपोर्ट 10 साल बाद आएगा तब तक तो चुनाव हो जाएगा, और चुनाव हो जाएगा तो यही बोला जाएगा, देखो भाई वसीम रिजवी ने कुरान में गड़बड़ किया और उसके परिणाम स्वरूप इसकी हत्या हो गई। यति नरसिंहानंद ने मोहम्मद साहब के खिलाफ उल्टा सीधा बोला, इसकी हत्या हो गई, हत्यारा जरूर मुसलमान होगा, और इन मुसलमानों को देखो जो वसीम रिजवी अपने सगे के नहीं है वो किसके होंगे? यति नरसिंहा जैसे हमारे साधु और सन्यासियों को मार देंगे तो यह मुसलमान किसके होंगे? इस तरह का बात पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और भाजपा के तमाम नेता भी करने लगेंगे, और तमाम नेता करके क्या करेंगे? राजनैतिक फायदा देना चाहेंगे। तो मैं कहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा मुसलमान भाइयों से भी और हिंदू भाइयों से भी, अगर वसीम रिजवी की कत्लेआम होती है, हत्या होती है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर यति नरसिंहानंद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे सुरक्षा दो सुरक्षा दो, सुरक्षा नहीं दिया जा रहा, उसको मरवाने का उल्टा में काम किया जाएगा, देख लीजिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2022 में माहौल जो बनाना है, और इस माहौल को बनाने के लिए जितनी गंदी से गंदी काम करना हो ये लोग करेंगे। लेकिन भारत अब जाग चुका है, भारत के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस मसूबे को जान चुके हैं कि कितने ही अपवित्र इनका नियत है। भारत के लोग अब, आप हर एक आदमी मोदी के विरोध में बात करना शुरू किया है, योगी के विरोध में बात करना शुरू किया है, तो ये हिंदू मुस्लिम करके कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं है, ये करते रहें। बस मैं गुहार यही करूंगा कि आप लोग प्रतिक्रिया न दें, और अगर इनका कत्लेआम वसीम रिजवी और नरसिंहानंद का होता है तो उसका जांच करवाया जाए, और गारंटी के साथ वो कोई ना कोई संघी ही इनका हत्यारा निकलेगा। धन्यवाद दोस्तों। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें, हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।